ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर हमला बोला गया, ऐसी जानकारी खुद संजय सिंह ने ट्वीट करके दी। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने उनके घर के बाहर नेम प्लेट पर सियाही फेंकी और वहां से भाग गए। हमले के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई। असलम रायनी के नेतृत्व में बसपा से निकाले गए कई विधायक अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद एक बार फिर से राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में बगावत करने के बाद पार्टी से बाहर किए गए सभी 9 बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने शुरू से जनता को, प्रदेश की जनता को धोखे में रखा, राम मंदिर के नाम पर तमाम झूठ बोले और सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी जनता को इनका असली रूप पता चल गया। चोर चोर ही होते हैं, इन्होंने राम मंदिर तक को नहीं बख्शा। आने वाले वक्त में जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो एक एक चीज का हिसाब। देखिए, चर्चा तो आम है और आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, और हर आदमी जानता है कि यही पार्टी वो है जहाँ पे विश्वास, यकीन और हर धर्म का सम्मान कराया जाता है। बसपा के लोग जो उपीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, जैसे आपने देखा होगा तो काशी राम के समय के थे लोग, लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण थे ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी, जहाँ हर वर्ग के लोगों का मान सम्मान, मेरे जैसे आदमी जो 5 बार के विधायक अल्हम्दुलिल्लाह है, 3 बार के हम स्वयं हो गए, यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ता। तो चुनावी सरगर्मियां किस कदर तेज है ये इसकी बानगी करती हुई आपने देखी हमारी ये खास पेशकश की, जिसमें 9 विधायक जो बागी हुए हैं बसपा से, वो अब समाजवादी पार्टी में कब ज्वाइन होते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में ही समाया हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।